आपके साथ। ग्वालियर की तर्ज पर अब उज्जैन में भी मार्च में व्यापार मेला लगेगा। इसमें वाहनों की खरीदी पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। सोमवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने 1700 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर उज्जैन रोड को 6 लेन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बैठक में राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि भी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, उज्जैन में कार्तिक मेला काफ़ी समय से लगता रहा है। अगले महीने से लगने वाले इस व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया है। जिस तरह ग्वालियर मेले में 50% की छूट दी जाती है, वैसे ही यहाँ भी दी जाएगी। उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियां चल रही है। इंदौर उज्जैन रोड को 6 लेन करने का फैसला किया गया है। हाथोद से पैरेलल रोड बनाई जाएगी। 1700 करोड़ की लागत से सड़क PPP मॉडल पर बनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉम्स बनाया जाएगा। कॉलेज भी ऑटोनॉम्स बनाए जाएंगे। सबसे पहले नए टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से अलग कर शुरू किया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय खरगोन में संचालित होगा। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में ग्वालियर विश्वविद्यालय से अलग कर शुरू किया जाएगा। इसमें गुना और अशोकनगर जिले अभी लिए गए हैं, बाकी फैसला बाद में लिया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसमें डॉक्टर HS मरकाम, सहायक प्राध्यापक दंत रोग जबलपुर मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर शामिल हैं। खंडवा के खालवा तहसील के रोशनी गांव के पास घोड़ा पछाड़ नदी पर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। इसके लिए 165 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। कैबिनेट में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी चर्चा की गई। CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कई गौशालाएं ऐसी हैं जहां गोबर से अगरबत्ती बनाई जाती है। गोबर गौमूत्र से क्या क्या बनाया जा सकता है, इस पर बात हुई। गौशालाओं में गायों को मेडिकल सुविधा मिले, इसके लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।